बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज फातिमा शबीर। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो बेसिकली मैं आज जो है वो आपको बताऊंगी एक फ्रूट के बारे में जो कि हम उसका डेली जो है वो इंटेक वगैरह जैसे उसका इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें बहुत सारे जो है वो बेनिफिट मिलते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करना चाहूँ बनाना के बारे में कि केला जो है इसके जो है वो क्या बेनिफिट्स हैं। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो ये जो बनाना होता है ये 135 तकरीबन कंट्रीज के अंदर जो है ये मतलब के प्रेजेंट होता है। अगर हम सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए 2016 के डाटा के मुताबिक देखा जाए तो 28% जो बनाना की जो प्रोडक्शन होती है ओवरऑल वर्ल्ड में वो कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे दो मेन कंट्री है जो कि करते हैं, चाइना और इंडिया जो है वो जो है 28% जो है वो बनाना की प्रोडक्शन करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। बनाना के अकॉर्डिंग हम देखा जाए केला जो है एक रिच सोर्स है फाइटो न्यूट्रंट्स का। इसमें वाइट इनफ अमाउंट में क्या होता है कि वाइटामिन और फिनोलिक कंपाउंड जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे मेन मिनरल्स हैं जो कि केले के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो केले के अंदर जो है फास्फोरस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर इसको देखा जाए तो इसमें पोटेशियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें जो है वो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये तीनों जो है वे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मतलब कि वो लोग जिनको बीपी का इश्यू होता है, जिनका बीपी हाई होता है, उनको जो है हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है और मैगनीज जो है प्रेजेंट होता है। कॉपर जो है वो हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है, जिंक जो है हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, आयरन जो है वो हमारी एचबी के लिए ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो इसमें जो मेन कंपाउंड जो इसमें बायो एक्टिव जो कंपाउंड जो केले के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फ्लेवोनाइड्स होते हैं और फिनोलिक्स होते हैं और कैरोटीनाइड्स होते हैं। केले में अगर देखा जाए तो इसमें जो है कुछ स्टीरोल कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, फाइटोस्टीरोल जो है इसमें भी वो भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो देता है। सबसे बेस्ट बात तो केले की ये है कि रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये है कि इस ये क्या करता है कि ये हमारा जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है, जो सीरोटोनिन जो हार्मोन होता है, उसको जो है ये इंक्रीज करता है। तो इट्स मीन कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सीरोटोनिन हार्मोन ज़्यादा होगा, हैप्पीनेस हार्मोन होगा, तो ये हमें मतलब के हैप्पीनेस जो है वो देगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो बनाना होता है ये हमारा जो हार्मोन होता है डोपामिन हार्मोन होता है उसको भी प्रमोट करता है। जब कन्वर्जन होनी होती है वो वाला प्रोसेस जब इसने डोपामिन में कन्वर्ट होना होता है, जैसे अगर हम बात करें तो टायरामिन हाइड्रोक्सिलेस जो है इंजाइम जो है जब इसने बनाना होता है डोपामिन को, हैप्पीनेस हार्मोन को बनाना होता है, तो वो जो इंजाइम होता है टायरामिन हाइड्रोक्सिलेस इसको जो है बनाना जो है वो बेटर करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर हम एक केला जो है वो एक दिन में लेते हैं तो ये हमें 3 ग्राम जो है वो फाइबर देता है। तो इसका डेली इनटेक अगर हम देखा जाए तो इसमें जो फाइटोस्टेरोल जो हमें मिलता है तो वो क्या आता है कि 3 ग्राम पर डे जो हमारे लिए सेफ है। और ये क्या करता है कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है जो ये जो फाइबर होता है ये क्या करता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो केले के अंदर जो है वो एक मेन कंपाउंड प्रेजेंट होता है बीटा सिटोस्टिरोल भी प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी से क्या करेगा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो केले के अंदर जो है वो मेन जो इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो होता है ल्यूटीन होता है और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो ल्यूटीन होता है और बीटा कैरोटीन होता है ये हमारी जो विटामिन ए वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर उनको जो है इम्प्रूव करते हैं। लाइक अगर हम बात करें बीटा कैरोटीन जो है वो हमारी आइज के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए जियाक्सैंथिन है, ल्यूटीन वगैरह जो है ये वाइटामिन ए को जो है प्रमोट कर कन्वर्ट होते हैं वाइटामिन ए में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे केले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें जो है वो इनफ अमाउंट में क्या होता है ये हमें हाई अमाउंट में जो है पोटेशियम देता है। और वो वाले लोग जो कि मसल स्ट्रेंथिंग वगैरह वाली एक्सरसाइज करते हैं, जो कि बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, उनको मसल्स को अपनी स्ट्रेंथ देने के लिए जो है वो हाई पोटेशियम डाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये पोटेशियम जो है वो क्या करेगा ये मसल्स को क्या करता है बेटर करता है। तो ये जो मसल्स के लिए भी जो है वो जरूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो केले में जो है जैसे कि हाई जो है वो आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है तो ये एनीमिक पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो है जैसे मैंने बात की कि इसमें दो जो है मेन वो बायो एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जैसे फ्लेवोनाइड है, फिनोलिक्स है, बीटा स्टीरोल्स है, सिटोस्टिरोल है, मैलिक एसिड है। और मैलिक एसिड जो बनाना के अंदर
प्रेजेंट होते हैं, उसने क्या करना होता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह जो आता है उससे उसे प्रिवेंट करना होता है। तो इट्स मीन कि जो केला है वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज भी रखता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो केला होता है इसके अंदर जो है फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड, डाइट्री जो है फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड भी प्रेजेंट होता है, जो कि फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड जो है कोई भी हमेशा कोई भी फ्रूट है, लाइक अगर हम बात करें बनाना है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, कोई भी है, फ्रूट के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो फ्रुक्टोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो बनाना के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, ये गुड सोर्स है, ये फ्रुक्टो इसको ओलिगोसैकेराइड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये ओलिगोसैकेराइड जो है ये जो स्टार्च वगैरह है इसका काम क्या होता है कि इसने हमारे जो बोल मूवमेंट वगैरह होती है उसको रेगुलेट करना करना होता है। तो इट्स मीन कि हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ होता है उसको भी बेटर करता है। ओके सर, थैंक यू सो मच, कंप्लीट हो गया।